सोनू जी। बाबूजी अजय कब तक आएगा? वो 5 मिनट में आ जाएगा बाबूजी। ठीक है, ये लो भाई इस महीने की कमेटी की किस्त। और हाँ, अगले महीने की कमेटी मुझे उठानी है, ये बात पहले से बोल रखा है। अरे दिनेश भाई आप फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी सबको बोल दिया है, अगले महीने की कमेटी आप ही उठा रहे हो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बोल देता हूँ, 5% से अधिक कमीशन नहीं दूंगा, ये बात याद रखना। दिनेश भाई कैसी बातें कर रहे हो आप तो जानते हो कि कमेटी भाभी जी के नाम से चल रही है और लेडीज है तो 5% से ज्यादा कमीशन जाएगा नहीं। हाँ लेकिन भाभी जी के वाईसी के लिए मुझे उनके सिग्नेचर और आईडी प्रूफ की जरूरत है। हाँ तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, कल घर जा करके सुजाता की सिग्नेचर ले लेना। ठीक है तो मैं चलता हूँ। चलिए नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार बाबू भैया। अरे नमस्कार, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। चलो बाबू जी, ये आज का कलेक्शन है 1,00,000 रुपए। गिने है ना? हाँ गिने हैं, एक बार आप भी गिन लीजिए। ठीक है तुमने गिने हैं तो बराबर होंगे। और ये ऑर्डर की लिस्ट है, शौकत लाला के यहाँ पे 10 पेटी चिप्स भेजने हैं और घनश्याम लाला के यहाँ पर अपना 20 पेटी साबुन भेजने हैं। और ये कलेक्शन के लिए आप तब तक कलेक्शन चेक कीजिए, मैं माल लोड करा देता हूँ। सोनू जल्दी से टेम्पो में 10 पेटी लोड करा। ठीक है। अरे अजय सुन, अरे सांस तो ले ले, माल डिलीवर हो जाएगा। जा तू एक काम कर, ये चाबी पकड़ और घर चला जा। टिफिन ले आ, बहुत जोरों की भूख लगी है, समझा? जी बाबूजी। जा। सोनू, सोनू। जी बाबूजी। काम करो। जी। और टेम्पो में माल लोड करो जल्दी से। जी। क्या? ठीक। जाओ। अरे नंदिनी आज जल्दी छुट्टी होगी कॉलेज से? हाँ वो लेक्चर जल्दी खत्म हो गया था। अच्छा चलो मैं घर जा रहा हूँ टिफिन लेने, तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं अजय मैं चली जाऊंगी। अरे तुम तो ऐसे हिचकिचा रही हो जैसे पहली बार साथ में बाइक पे बैठ रही हो, चलो जल्दी बैठो। और नंदिनी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रोज कॉलेज छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाया करूंगी। नंदिनी मैं कुछ। हाँ बोलो। अरे नंदिनी तू जल्दी आ गई। हाँ माँ वो आज कॉलेज की जल्दी छुट्टी हो गई थी। अच्छा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। ये लो अजय, वो शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना, किचन का कुछ सामान लाना है। जी माँ। हाँ बिजली रानी ऐसी हो? अरे अभी तो 5 बज रहा है। ये मैंने बोला ना आ जाऊंगा। हाँ तैयार रहना बस। हाँ हाँ ठीक है लेते आऊंगा। अजय। जी बाबूजी। एक काम करो, ये लो मेरा वाला ब्रांड ले आओ। ठीक है जाओ। सुजाता। ए सुजाता। पापा आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। कहाँ गई तेरी माँ? हाँ पापा वो माँ तो सो रही है। सो रही है? जब देखो सोती रहती है। हाँ अभी बताता हूँ। पापा ए मैं खाना लगाती हूँ ना, आप खाना खा के बोला ना, तुम अपनी पढ़ाई करो। सुजाता ये देखो महारानी सो रही है, उठो उठो। ये क्या बदतमीजी है? जाओ खाना निकाल के लाओ। क्यों उस बिजली के यहाँ खाना नहीं मिला जहाँ मुंह काला करवा कर आ रहे हो? सोनी तेरी जुबान आजकल बहुत कैची की तरह चल रही है, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है।
अभी उतारता हूँ तेरी चर्बी। क्या करूंगी, तुम्हारी आरती उतारूंगी क्या? आरती उतारू? बताता हूँ अभी तुझे, बताता हूँ अभी आरती उतारेगी तू मेरी। पापा, ये नहीं कर ही रहा। बोला ना, जा जा तू अपने कमरे में पढ़ाई कर। पापा छोड़िए ना मम्मी को, मैंने खाना लगा दिया, आप खाना खा लीजिए। माँ की साइड मत ले, जा नहीं तो तू भी माँ के साथ पिटेगी, समझी? जा स्टडी कर। ठीक है पापा। नहीं हाँ, और बेटी दोनों अच्छा। मुझे छोड़ दो, मार दो, मार दो मुझे, और ले आओ उस बिजली को इस घर में, नहीं जीना है मुझे, मारो मुझे। हेलो नंदिनी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। मम्मी कहाँ हैं? मुझे उनके साइन चाहिए थे। मम्मा रूम में हैं, बुलाऊं? नहीं नहीं, मैं खुद चला जाता हूँ। और तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। कॉलेज में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। नहीं कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं वहाँ का छात्र संघ का मेंबर हूँ, संकोच मत करना बिल्कुल। जी जी जरूर। अरे मेरे असाइनमेंट का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। चलो ठीक है, तुम जाओ पढ़ाई करो। अरे भाभी जी कहाँ हैं? भाभी जी। अरे बाबू तुम। अरे भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं? नमस्ते, तुम कब आए? मैं बस अभी आया। अरे भाभी जी वो आपके साइन चाहिए थे। आईडी प्रूफ भी कमिटी के लिए। तो साइन यहीं करवाओगे? चलो रूम में चलो, साइन वहीं कर लेते हैं। चलिए। बैठो। तो अब बताओ कहाँ गए थे? आ जाए, वैली पेट्री टेम्पो में लोड करा दो। ओके सर। ठीक है, ध्यान से आ जाए। इधर आना। जी बाबूजी। ये पैसे हैं, ये 1,00,000 और ये 1,00,000 और ये 50,000, ठीक है, टोटल 2,50,000। जी बाबूजी। सीधे घर जाओ और जा करके ज्यादा को दे देना और कहना कि सेफ में रख दे, कल बैंक खुलेगा तो जमा करेंगे, ठीक है? और हाँ ये चाबी ले जाओ, आते समय टिफिन लेते आना। ठीक है बाबूजी। बाबूजी वो घनश्याम लाला का फोन आया था पेमेंट देने के लिए, तो लौटते वक्त मैं उनसे पेमेंट भी लेता हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात है, पेमेंट लेके आना, ठीक है, और ऑर्डर कुछ होगा तो भी ले लेना। अजय तुम? नमस्ते बाजी। हाँ नमस्ते। ये बाबूजी ने 2,50,000 रुपए भेजे हैं और उन्होंने कहा था इसे सेफ में रख देना। ठीक। और बाबूजी ने कहा था मुझे टिफिन भी दे दे। अच्छा नंदिनी, पापा का टिफिन दे दो। हाँ लाला जी। हाँ मैं बस 15 मिनट में आ रहा हूँ, आप पेमेंट रेडी रखना। हाँ हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ। ठीक है ओके। अजय पापा से बोला करो कि खाना पूरा खाया करें, ये लो। ठीक है। और नंदिनी। हाँ। वो हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ अजय बोलो, क्या बात करनी थी? वो आजकल तुम हमसे यूं उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? What? नहीं अजय ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हें याद है हम बचपन में साथ में खेला करते थे, पर जब से तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हुआ ना तब से तुम काफी बदल गई हो, ढंग से बात भी नहीं करती हो। ये तुम क्या बात कर रहे हो अजय, और वैसे भी वो सब बचपन की बात थी,
अब हम बच्चे थोड़ी ना रहे। नंदिनी, हम अब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो अजय? नहीं नंदिनी, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। हम अब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अजय, तुमसे दो मिनट हंसकर बात क्या कर ली? तुम तो सर पर ही चढ़ गए। भूलो मत, तुम इस घर के नौकर हो, मेरे पापा के भी नौकर हो और मेरे भी नौकर हो। अपनी औकात मत भूलो, समझे? नंदिनी, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम तुम्हें सिर्फ अपने बचपन के प्यार के बारे में बताना चाह रहे थे और कुछ भी नहीं। छोड़ो नंदिनी, मेरी बात तो सुनो। अजय, मेरा हाथ छोड़ो। अजय, सीधी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना अभी के अभी पापा को कॉल करके मैं तुम्हारी ये सारी घटिया हरकतें बता दूंगी, और उसके बाद पापा तुम्हारे क्या हल करेंगे ये तो तुम अच्छे से जानते हो। चलो निकलो ऐसे, जाओ। अरे बाबू, कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। अरे काम में फंस गया था यार, इतनी उतावली क्यों? नंदिनी नहीं है घर पर? है, अपने कमरे में है। मुझे तुमसे बहुत सारा प्यार करता है। चलो सोनू, बाबूजी कहाँ हैं? अंदर होंगे शायद। ठीक है, तुम माल लोड कराओ। ठीक। बाबूजी, बाबूजी। अरे क्या हुआ अजय, इतना परेशान क्यों है और तेरा मुंह क्यों लटका है? कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही। ऐसे ही? देख, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तेरा मुंह ऐसे नहीं लटकता। कुछ तो वजह हुई है। सुजाता ने कुछ बोला? नहीं बाबूजी। अभी कॉल करता हूँ मैं। बाबूजी हम बताते हैं आपको, आप माँ जी को फोन मत कीजिए। बता क्या हुआ बाबूजी। समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे बताएं। कैसे बताएं? बता ना। वो हम टिफिन लेकर लौट रहे थे तो हमने माँ जी और बाबू भाई को आपके बेडरूम में जाते हुए देखा। दिमाग तो नहीं खराब? आ जाए, तू सही बोल रहा है। बाबूजी, हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमने अपनी आंखों से देखा है। चल अभी चल, चल चल मेरे साथ। मेरे पीठ पीछे घर में ये सब कर रही है, रंगरलियां मना रही है। कहाँ गया वो तेरा यार बाबू? हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत भोली बन रही हो। ये बता, तेरा और बाबू का चक्कर कब से चल रहा है? ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? वो तो खाली आधार कार्ड की कॉपी लेने आया था। अच्छा, आधार कार्ड की कॉपी लेने आया था? चिपक चिपक के दिया जा रहा था? हाँ, मुझे अजय ने सब कुछ बता दिया है, उसने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। ये अजय झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? 15 सालों तक इसने झूठ नहीं बोला और आज ये झूठ बोलने लगा? पापा, माँ एकदम सही बोल रही है। बाबू यहाँ सिर्फ आधार के जीरोक्स देने ही आया था और वो जीरोक्स की कॉपी देके तुरंत यहाँ से चला गया था। और ये ऐसी उल्टी बकवास क्यों कर रहा है ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। पापा, आज दिन में ये मुझसे बहुत उल्टी उल्टी बातें कर रहा था। कह रहा था मुझसे प्यार करता है, मुझे पसंद करता है और न जाने क्या क्या। मैंने इसे बहुत डांट लगाई,
ऊपर से एक थप्पड़ भी मारा। मुझे लगा इसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो और बेशरम निकला। इसने उल्टा माँ और बाबू के खिलाफ आपको भड़का दिया ताकि ये मुझसे बदला ले सके। अजय, क्या ये सच बोल रही है? पापा, अगर अब भी आपको हम दोनों से ज्यादा इस नौकर पे भरोसा है तो आपके जो जी में आए कीजिए। साले नमक हराम, तूने मेरे एहसानों का ये सिला दिया? हाँ, तू 10 साल का था जब तेरा बाप मरा था, तब से मैंने जो नौकर नहीं अपने बेटे की तरफ पाला है, ये रहने के लिए घर दिया, खाना दिया, कपड़े दिए, काम दिया, और तूने मुझे ये सिला दिया? निकल जा मेरी आंखों के सामने से। बाबूजी मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो तुझे काम से निकाल रहा हूं, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, दोबारा मेरी आंखों के सामने तू दिखना नहीं, समझा? चल। अरे दिनेश भाई, आज मैं आपके घर गया था भाभी जी के आधार कार्ड की कॉपी लेने, जल्दी जल्दी मैं सीधा ऑफिस चला गया, आपको बता नहीं पाया। हाँ भाई साहब, मैंने अजय को निकाल दिया है, आप घबराइए मत, आपका माल कल पहुंच जाएगा, ठीक है? क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? आइए मेरे पास आइए। दूर हटो। आप इस तरह से मुझसे क्यों बर्ताव करते हैं? और ऐसा क्या है उस बिजली में जो मेरे अंदर नहीं है? हाँ, खूर की परी है क्या वो? देखो सुजाता, मेरा पहले से ही बहुत दिमाग खराब हो रखा है, समझी? अगर तुम पिटना नहीं चाहती तो ये बकवास बंद करो और सो जा चुपचाप। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि हम पति पत्नी हैं भी या नहीं, और आपने मुझे सिर्फ इस घर का सामान समझ रखा है, जब चाहा पास बुला लिया और जब चाहा लात मार के फेंक दिया, और आपसे तो बात करना ही बेकार है। शौकत भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? कभी लेट हुआ है? शाम तक माल भिजवा दूंगा, यकीन रखिए। नहीं, अजय को निकाल दिया है, अब वो हमारे यहाँ काम नहीं करता। अरे शौकत भाई, आप टेंशन मत लीजिए, शाम तक माल आपके पास पहुंच जाएगा, बोला ना। अरे सोनू जी। बाऊजी, शौकत लाला का माल रेडी हुआ? नहीं बाऊजी, वो टेम्पो नहीं आया अभी तक। बाऊजी, वो टेलकम पाउडर का स्टॉक आया, उसको कहाँ लगाना है? अब क्या मैं सब कुछ मैं ही बताऊंगा कि कौन सी चीज कहाँ लगानी है? खुद से दिमाग लगाओ। बाऊजी, पहले अजय भैया रहते थे तो बताते थे। क्या अजय लगा रखा है? हाँ, अजय नहीं होगा तो काम नहीं होगा। हाँ, जाओ टेम्पो बुलाओ और माल लोड करवाओ, समझे? जाओ। जी बाऊजी। बाबूजी। अजय तू? बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बाबूजी। हम बहक गए थे बाबूजी। बाबूजी हम अपने पिता की कसम खाकर कहते हैं कि आगे से गलती दोबारा कभी नहीं होगी बाबूजी। बाबूजी हमें दोबारा काम पर रख लीजिए बाबूजी। हमारा घर परिवार सब कुछ तो आप ही है ना बाबूजी। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हमें दोबारा काम पर रख लीजिए। देख अजय, तुझे मैं बचपन से जानता हूं और तू मेरे यहां बचपन से काम कर रहा है, इसलिए ये तेरी पहली और आखिरी गलती है, और वो भी तेरी मरे हुए बाप की वजह से तुझे मैं माफ कर रहा हूं, समझा? और हां, आइंदा से तूने कोई भी गलती करी याद रखना, काम से नहीं शहर से इतनी दूर फेंकवा दूंगा तुझे भी एहसास नहीं होगा। बाबूजी हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम दोबारा ऐसी गलती जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, आप बस हमें काम पे रख लीजिए। ठीक है, जा शौकत भाई को माल रेडी करना है। जी बाबूजी। अरे नहीं गुप्ता जी,
पहले आप पिछला पेमेंट क्लियर कर दो और माल में भिजवा दूंगा, विश्वास रखिए मेरा आप। हाँ हाँ क्लियर कर दो आप। अजय जी बाबूजी, ये चाबी लो, घर से टिफिन ले आओ, ठीक है? अच्छा सुनो, चाबी दो। सोनू जी बाबूजी, ये चाबी लो और घर से टिफिन ले आओ, ठीक है? जी ठीक। और अजय तुम गुप्ता जी के यहाँ से पेमेंट ले आना। सोनू एक काम करना, जाते समय अजय को छोड़ते जाना, ठीक है? जी बाबूजी। जाओ। लाला जी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पेमेंट डिलीवरी एकदम टाइम पे होगी। बाबू भाई ये किधर जा रहे हैं? लगता है घर की ओर जा रहे हैं। हाय नंदनी। अरे आप आइए। मम्मी कहाँ है? वो मम्मा तो बाहर गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बताइए। बैठ के बात करें? बैठी। नंदनी देखो, आज तक तुमसे कुछ छिपा तो है नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ, मेरे आने की वजह क्या है, लेकिन मेरे यहाँ आने की वजह भाभी जी नहीं है। मतलब ये कि बहुत लाइक करता हूँ तुम्हें और मैं सिर्फ यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो क्या नहीं, बट आई लव यू नंदिनी। क्या हुआ नंदिनी, कुछ तो बोलो, कुछ बुरा बोला मैंने? नहीं बाबू, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि तुम कब अपने प्यार का इजहार मुझसे करोगे। मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, आई रियली लव यू टू। पर नंदनी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? मैं बताना तो चाहती थी पर कभी मौका ही नहीं मिला। जो भी हुआ ना, आपकी बीवी आपकी बेटी के मर्जी से हुआ है। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, अपनी बीवी और अपनी बेटी से पूछ लो। इसीलिए तू यहां से जिंदा जा रहा है। अगर इन दोनों की गलती नहीं होती ना तो आज तुझे इसी घर में जिंदा गाड़ देता। चल निकल इधर, निकल अभी के अभी निकल। और सुन, आज के बाद इस घर की तरफ आंख उठा के देखा ना तो ये दोनों आंखें निकाल लूंगा। चल निकल, निकल जा भी। अपने साथ साथ इसको भी। हाँ आज तो मैं तेरी जान ले लूंगा। समाज में मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तुमने, इज्जत मेरी मिट्टी में मिला दी। बाबूजी छोड़ दीजिए, बाबूजी छोड़ दीजिए इन्हें। तुम्हारानी ये गुड़ खिला रही इस घर में। हाँ इतनी जवानी चढ़ी है कि तुमने अपने यार को इस घर में बुला लिया। बेचारा आ जाए, सच बोल रहा था। तुम दोनों ने माँ बेटी ने इसे झूठा साबित कर दिया। बहुत जवानी चढ़ ली है ना, उतारता हूँ। रुक जाइए, मैं जानती हूँ मेरी गलती है पर आप भी उतना ही जिम्मेदार हैं। आप तो चले जाते हैं ना उस बिजली के पास अपनी खुशियां बांटने, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। मैं क्या करती, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। ये चारा था तुम्हारे पास? हाँ कि तुमने अपने मजे के लिए तुमने अपनी बेटी को भी उसके साथ सुला दिया। हाँ छी, शर्म आती है मुझे। मैं सच कह रही हूँ, मैं कसम खा के कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था नंदिनी और बबलू के बारे में। और तुम? हाँ
मुझे तो लगता था कि तू पढ़ाई कर रही है, मेहनत कर रही है। ये है तेरी मेहनत, हाँ? तुझे इसकी गलतियों के बारे में मुझे बताना चाहिए तो तू भी इसके साथ मिल गई, रंगरलिया मना रही है, हाँ? मनवाता हूँ तेरी रंगरलिया। नहीं पापा। आज के बाद तेरा इस घर से निकलना बिल्कुल बंद। बहुत जल्दी एक लड़का देख के शादी कर दूंगा इसकी, तभी दम लूंगा। हाँ आ जाए, आज और अभी से तुम इन दोनों के ऊपर नजर रखोगे, ये घर से निकलने नहीं पाए, समझे? फोन दो मुझे। पर पापा। बोला ना, फोन दो। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पापा मेरे आज से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। पापा 3 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्लीज प्लीज मुझे कॉलेज जाने दो पापा। ठीक है, अजय के साथ जाना और उसी के साथ वापस आना। अजय भाई, मम्मी। हेलो बाबू, आ जाओ जल्दी आना। हाँ हाँ, अजय रुको। क्या हुआ नंदिनी, तुम रो क्यों रही हो? आई एम सॉरी अजय। सॉरी पर क्यों? अजय हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बाबू की बातों में आ गए थे। हमने तुम्हारे प्यार को पहचाना नहीं अजय। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो अजय। अच्छा तुम हमें माफ करोगे ना? नंदिनी अब इन सब बातों को भूल जाओ। आज तुम्हारा एग्जाम है और उस पर ध्यान दो, जाओ। नहीं अजय, हम एग्जाम नहीं देंगे। पहले तुम हमें बताओ कि तुम हमें आज भी उतना ही प्यार करते हो ना जितना पहले करते थे। अजय कुछ बोलो। अजय हम एग्जाम नहीं देंगे, हम मर जाएंगे अजय। बोलो अजय, तुम हमसे प्यार करते हो या नहीं? बोलो ना अजय, हाँ या ना? हाँ नंदिनी, हम आज भी तुमसे उतना ही प्यार करते। अब रोना बंद करो। हम जानते थे अजय तुम हमें जरूर माफ कर दोगे। आई लव यू अजय। आई लव यू टू नंदिनी। अब ये सब छोड़ो और एग्जाम के लिए लेट हो जाओगे, जाओ। और हाँ, बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय माँ। हाय माँ।
बाय नंदिनी। हाँ बोलो नंदिनी। अजय तुम गोदाम के पीछे आ जाओ। पर हुआ क्या नंदिनी, तुम इतनी घबराई क्यों हो? अजय ये सब बताने का वक्त नहीं है अभी, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। नंदिनी इस वक्त अरे इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं अजय भैया? अरे मैं भी आया, तुम सो जाओ ठीक है। अरे आता हूं मैं। नंदिनी तुम फोन पर इतनी घबराई हो क्यों थी, और इस वक्त तुम यहां क्या कर रही हो? बाबूजी ने कुछ कहा क्या? हाँ नहीं, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हें यहाँ अपनी परेशानी खत्म करने के लिए बुलाया है। मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ। आप दोनों? हाँ हम दोनों। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अभी बताता हूँ। तुझे क्या लगा मैं तो जैसे गवार से प्यार करूंगी? ये सब नाटक तो मैंने तुझे घर से दूर रखने के लिए किया था। अजय जरा चाय बना के ला। जी माँ जी। माँ ये अजय कब तक हमारी जिंदगी में ऐसे कुंडली मार कर बैठा रहेगा? इससे हमें कैसे छुटकारा मिलेगा? माँ तुम्हें कुछ सोचो ना। मैं वही सोच रही हूँ, वो तुझसे प्यार करता है ना? हाँ बोल तो रहा था एक दिन, पर उससे क्या? तू भी उससे प्यार कर ले। प्यार उस गवार से प्यार कभी नहीं माँ। अरे ये प्यार नहीं कर सकती तो प्यार का नाटक तो कर सकती है ना। कुछ दिनों के लिए तू उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर बाहर रख, बाकी इसका क्या करना है वो मैं बाबू से मिलकर सोचती हूँ। इसलिए मैंने तुझसे प्यार करने का नाटक किया। सोचा था कि तुझे थोड़े दिन बाद मारेंगे आराम से प्लान कर, लेकिन बेचारी नंदिनी तुझे झेल ही नहीं पा रही थी। तो आज जब नंदिनी घर आई माँ, माँ बहुत हो गया, आप तो यहाँ रोज बाबू के साथ मजे मारती हो और मुझे बाहर उस गवार को झेलना पड़ता है। बस माँ मैं उसे अब और नहीं झेलने वाली। आपने कुछ सोचा है या नहीं? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बस कुछ दिनों की तो बात है, उसे झेल लो फिर जल्दी उसका ठिकाने लगा देंगे। नहीं माँ मैं उसे और नहीं झेलने वाली, आपको जो करना है जल्दी करो बस। चलो ठीक है तुम परेशान मत हो, तुम अजय को फोन करके गोडाउन के पीछे वाले मैदान में उसे बुला लो। मैं बाबू को फोन करके उसको वहीं बुला लूंगी, फिर उसे हम वहीं मार के ठिकाने लगा देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। पर माँ अगर पापा जग गए तो? तुम उनकी फिक्र बिल्कुल मत करो, रोज दारू पी के आते हैं और घोड़े बेच के सोते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम और बाबू सब संभाल लेंगे।
तुम चिंता मत करो। बहुत वफादार बनने का शौक था इसे दिनेश का। सही कह रहे हो, तो वफादारी का हर जाना भुगत। बाबू इसे मारकर यहीं गाड़ दो। क्या हो रहा है इधर? ये देखिए, पकड़ो इन लोगों को।